हेलो मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी और मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर तो आज जो हम बात करेंगे एच पी जे पाँच सौ तीस के क्वेश्चन पेपर की जो कि आपका एच पी पी डब्ल्यू डी के अठारह पोस्टें आई थी यहाँ पे और दो हज़ार सत्रह में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो है चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करो जो है जो, है जो, है जो, है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर क्वेश्चन पेपर और वीडियो जो है वहाँ पर जो है साथ साथ में नोटिफिकेशन में आती रहेंगी अभी जो हम इ, इस क्वेश्चन पेपर को एच पी जे पाँच सौ तीस को हम पहले फर्स्ट पार्ट आपका थर्टी फाइव क्वेश्चन होगा सेकेंड सेवेंटी थर्ड आपका हंड्रेड एंड फोर्थ आपका वन फोर्टी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए आज जो हम है हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू रेशियो वन एंड द सेविंग इन द टर्म ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ही इज यूज इंस्टेंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल बी तो इसमें हम बात करेंगे कि सेविंग ऑफ कॉपर बताया गया है तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें गिवन है बी वन बाय वी टू मीन्स प्राइमरी टू सेकेंडरी टू बाई वन रेशियो तो ये आपका ना जो ट्रांसफार्मर रेशियो वो वन बाय के होगा और टर्न रेशियो इज इक्वल टू ए होगा तो यहाँ पर हमें पता है कि जो वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू वन माइनस के टाइम ऑफ वेट ऑफ एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो हमें सेविंग इन कॉपर निकालनी है तो सेविंग इन कॉपर होगा अपना ऑर्डनरी माइनस ऑफ एन ऑटो अपॉन ऑर्डनरी तो यहाँ पर निकलेगा के तो सेविंग इन कॉपर इस के टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पर जो है के कितना है आपका वन बाई टू है तो यहाँ पर हमारे पास जो कितना निकल जाएगा सेविंग इन कॉपर डेट इज फिफ्टी परसेंट तो जितनी ज़्यादा हमारी हाई वैल्यू ऑफ के होगी तो मोर सेविंग इन द कॉपर हमें जो है देखने को मिलेगा तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन है द कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी टू तो हम कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्यों करते हैं तो इसमें है डिसिपेट द हीट जनरेटेड इन द वाइंडिंग क्योंकि लोड के हिसाब से अपना जो कॉपर लॉसेस होंगे और आपका जो कांस्टेंट लॉसेस हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं पावर वेस्टेज करते हैं तो उसके लिए जो है हमें कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में जो करनी पड़ती है तो यहाँ पर हमारे पास जो है एयर कूलिंग है ऑयर कूलिंग है तो फोर्स एयर ऑयल कूलिंग है तो बड़े सारे प्रकार की हमें जो है कूलिंग देखने को मिलती है तो जो सिंपल हमारे पास कूलिंग होती है वो अपना एयर कूलिंग है तो एयर कूलिंग जो है हमारे कितने तक होती है मीन्स कितने के वी तक के ट्रांसफार्मर के लिए हमारा एयर कूलिंग होती है या ऑयल कूलिंग होती है तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ऑल डे एफिशंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज अ रिशो ऑफ तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो ऑल डे एफिशिएंसी की बात है द रेशो ऑफ द आउटपुट इन एन किलो वाट अवर टू द इनपुट इन किलो वाट अवर ऑफ अ ट्रांसफार्मर ओवर अ ट्वेंटी फोर आवर पीरियड हिस्स नोन हैज एन ऑल डे एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर है किलो वाट आवर आउटपुट एंड किलो वार आवर इनपुट पर डे तो यहाँ पर देख सकते हो जो बी में क्या है किलो वाट आवर आउटपुट तो है बट इनपुट में किलो वाट आवर नहीं है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड का ए करेक्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ की फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री पैर ऑपरेशन ऑफ अ टू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और नंबर ऑफ कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड और नंबर ऑफ कंडीशंस आर रिटर्न बिलो इंडिकेट विच ऑफ़ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड मगर इनमें से कौन सी जो है रिक्वायर्ड नहीं है फुलफिल होने के लिए सबसे पहले अपना के वी रेटिंग ऑफ अ टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो ट्रांसफार्मर का के वी रेटिंग हमेशा ही इक्वल हो हम अनइक्वल के वी रेटिंग के ट्रांसफार्मर को भी हम कनेक्टेड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पंद्रह सौ के का ट्रांसफार्मर के साथ हम पैरल में पाँच सौ के का जो है कनेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू जो टोटल इनकी के है वो हो जाएगी अपना दो हज़ार तो ये अपना लोड के हिसाब से जो है आपका पंद्रह सौ चलाना है तो वो चलाएंगे वरना 500 फाइव हंड्रेड वाला जो है हम चलाएंगे सेकेंड है जो आपका एसेंशियल या नेसेसरी कंडीशन में आता है ट्रांसफार्मर शुड बी प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद रिकॉर्ड टू देर प्लेरिटी के हिसाब से होनी चाहिए अगर प्लेरिटी के हिसाब से नहीं होगी तो सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिलेगी वोल्टेज रेटिंग ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग शुड भी सुटेबल फॉर द सप्लाई सिस्टम वोल्टेज एंड एंड द टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड भी इक्वल तो इसमें वही वो है वोल्टेज रेटिंग और टर्न रेशो का एक ही कंसेप्ट है हमें पता है कि जो आपका टर्न रेशो है टर्न रेशो होता है आपका जैसे एन वन एन टू इज इकल टू वी वन बाई वी टू तो आपको भी हुआ वोल्टेज रेटिंग तो वोल्टेज रेटिंग भी जैसे हमें पता अनक्वल देखने को मिलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर हमें वोल्टेज रेटिंग देखने को मिलेगी टेन और फाइव होगा तो इसमें क्या होगा कि अपना एक इसके बीच में अगर हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल वन ही मान के चलते हैं टू तो इसमें क्या होगा कि जैसे टेन माइनस ऑफ फाइव अपॉन टू हो जाएगा तो फाइव बाई टू तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्कुलेटिंग करंट हमें जो है देखने को मिलेगा अगर यही चीज़ हमें जो है देखने को मिलेगी टेन माइनस ऑफ टेन अपॉन टू तो सर्कुलेटिंग करंट कितना देखने को मिलेगा हमें ज़ीरो देखने को मिलेगा तो ये जो चीज़ है वो हमें जो है देखने को मिलती है जब हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है प्राइमरी एंड सेकेंडरी की अगर वो हमें अन देखने को मिले अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में हमारे पास है द परसेंटेज इम्पिटेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर शुड बी अगर हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये शुड भी इक्वल मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है वैसे बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट जो है देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेसेसरी कंडीशंस में द वोल्टेज रेटिंग इज सेम होनी चाहिए पोलैरिटी मस्ट भी सेम फेस शिफ्ट इन द स्कैंड ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम द फेस सीक्वेंस मस्ट बी सेम तो ये जो चार्ट कंडीशन तो है ही है असेंशियल ये होनी ही चाहिए डिजायरेबल का मतलब होता है कि हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज्यादा एक्सपाइर रेशियो विल बी सेम होना चाहिए मीन्स इससे क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होता है दोनों ट्रांसफार्मर का वो सेम तरीके से वर्क करता है और इसमें जो आपका ये आपका पर यूनिट इम्पिडेंस है अगर वो दोनों इक्वल है तो मीन्स लोड शेयरिंग आपकी इक्वल होगी अगर आपका पर यूनिट इम्पिडेंस इक्वल नहीं है तो इसका मीन्स आपका एक ट्रांसफार्मर ज़्यादा शेयरिंग करेगा और एक कम करेगा तो वो इस फॉर्मूले के बेसिस में आप जो है देख सकते हो तो यहाँ पर हमारा फोर्थ का आंसर हो जाता है ए द के वी रेटिंग ऑफ द टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल इज नॉट रिक्वायर्ड ये आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं है अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें और 400 हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हर्ट थ्री फेस इंडक्शन मोटर रोटेट एट इतना आर पी एम ऑन द फुल लोड द मोटर विल भी हमें पता है कि चौदह सौ चालीस आर में आपका क्या है रूटर है तो हमें पता है कि संक्रोन स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो वो कितना होगा हमारे पास जो कितना होगा तो वो पंद्रह सौ में जो है देख सकते हो और पंद्रह सौ आर कितने में आएगा आपके चार पोल पे आएगा तो हमें पता है एन आर चौदह सौ चालीस आर पी है तो एन एस हमारा पंद्रह में चलेगा तो हम इसमें ड्रग यास कर सकते हैं कि अगर पोल दो हैं तो तीन हजार आर में पोल चार है तो पंद्रह सौ आर में पोल छः है तो हज़ार आर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिफ्थ का बी हो जाएगा तो ये सिंपल आप जो है याद रख सकते हो कि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में जो आपका रोटर है वो हमेशा सिंक्रोन स्पीड से कम स्पीड में ही रोटेट करेगा तो इस हिसाब से आप देख सकते हो चौदह सौ चालीस तो इसका मीन संक्रोन स्पीड से ज़्यादा होगी तो पंद्रह सौ में और पंद्रह सौ के ही हिसाब से आपके पोल होंगे अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड स्टेटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी एन द स्टेटर नंबर ऑफ द पोल्स ऑफ द थ्री फर्स्ट इंडक्शन मोटरीज फॉर्म ले की बात पूछिए एन एस हमें बताया है सिंक्रोन स्पी इजिकल टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी फ्रिक्वेंसी ऑन द पोल एंड हमें पता है एफ की फॉर्म में लिखा है एफ इजिकल टू एन एस इन टू पी अपॉन वन ट्वेंटी तुम्हारा सिक्स का हो जाएगा सी ये सिंपल था सेवन की बात करें तो टॉर्क डेवलप बाई थ्री फेज फोर हंड्रेड वोल्ट इंडक्शन मोटरीज सो न्यूटन मीटर इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस टू टू हंड्रेड वोल्ट द डेवलपिंग टॉर्क विल बी हमें पता है पावर इज इकल टू टी ओमेगा पावर बाय ओमेगा इज इकल टू टॉर्क हम पावर को लिख सकते हैं वी आई कॉस बाय क्योंकि थ्री फेज की बात की गई है यहाँ पे एंड हमें पता है कि जो करंट का फॉर्मूला है वी इज टू आर स्केयर प्लस एक्सकेयर और पावर फैक्टर है आपका आपका बेस अप ऑन तो आर इज टू आर स्केयर प्लस एक्सकेयर जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा बीस स्केर इंटू आर अपन आर स्केर प्लस एक्स स्केर इंटू ओमेगा तो हमें पता है कि जो टॉर्क है प्रपोशनल डूबी स्केर क्योंकि क्वेश्चन वोल्टेज और टॉर्क के बीच में पूछा गया वोल्टेज और टॉर्क तो यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क इस प्रपोशनल डूबी स्केर इंपॉर्टेंट चीज़ है याद कर लो यहाँ पे तो हमें पता है कि जो टॉर्क है वो हंड्रेड दी गई है प्रोपोर्शनल टू फोर हंड्रेड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा टू हंड्रेड वोल्ट में हमारी जो टॉर्क है वो कितना निकलेगी ट्वेंटी फाइव न्यूटन मीटर तो हमारा सेवेंथ का हो जाएगा बी अगर हम अगले की बात करें एट्थ की ये रिपीट क्वेश्चन है अगर हम एट्थ की बात करें फोर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग अ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ सिक्स ओम मैक्सिमम टॉर्क अकर एट स्लिप ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स द वैल्यू ऑफ द स्टेंटिल्ड रोटर सर्किट रिएक्टेंस हमें पता है कि जो स्लिप होता है मैक्सिमम रोटर कंडीशन मीन्स मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में जो स्लिप है वो आर बाई एक्स हो जाएगा स्लिप यहाँ पर वन हो जाएगा आर बाई एक्स इक्वल हो जाएंगे और जो हमारे इसमें टॉर्क का फॉर्मूला डी इजीगल टू वी स्क्योर अपॉन टू एक्स हमें जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर जो स्लिप है वो जीरो पॉइंट सिक्स बताई गई है रेजिस्टेंस हमें गिवन है रिएक्टेंस हम फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा टेन ओम तो एट्थ का हो जाएगा हमारा डी अगर हम इसमें नाइन्थ की बात करेंगे द फिनोमिनन ऑफ स्क्योर केज मोटर सम टाइम शोइंग अ टेंडेंसी टू रन एट अ वेरी लो स्पीड इज नोन एज तो अगर आप कम स्पीड में देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग कॉगिंग का मतलब होता है कि जब आपके जो स्टेटर एंड रोटर पोल्स इक्वल हो जाते हैं मीन्स इसमें लॉकिंग हो जाती है जिसके थ्रू हमारा जो रोटर है वो रोटेट नहीं करता है क्रॉलिंग में ये आपके हारमोनिक की वजह से हमें जो देखने को मिलती है तो इसमें जो आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव हार हारमोनिक आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव वाला आपका क्या करेगा रिड्यूस करेगा स्पीड को मीन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे सेवन्थ हारमोनिक है तो वो एन एस अपॉन सेवन्थ तो इतने आर पी एम में वो जो है चलाएगा उस चीज़ को और नेगेटिव हारमोनिक क्या करेगा रिवर्स वाइज में ब्रेकिंग के जैसे जो है एक्ट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाइन्थ का बी डैम्पिंग का तो आपको पता ही है डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको चलाने के लिए क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क हमें जो है नहीं देखने को मिलती है चुइंग का मतलब होता है कि जो कॉगिंग से इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं चुविंग कर देते हैं आपके स्टेटर के पोल्स को एंड रोटर के पोल्स को जिसके थ्रू लॉकिंग जो है पॉसिबल ना हो पाए अगर हम टेंथ की बात करेंगे और फाइव हॉर्स पावर थ्री फेज फोर हंड्रेड वोल्ट स्टार कनेक्टेड स्कूल केज इंडक्शन मोटर मेन टू ड्रीवन मीनिंग माइनिंग मशीन एट स्टार्टिंग टेक्स अबाउट तो कितना जो है स्टार्टिंग में है रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले पेपर में आपको फाइव सेवन के भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाएगा और एक और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मतलब तीन बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो हमें पता है पावरजगल डॉन्ट रूड थ्री वी एल आई एल कॉसाई क्योंकि इसमें फोर हंड्रेड वोल्ड से ही हमें पता चल जाएगा और थ्री फेज से भी किए थ्री फेज का लगेगा तो हमें पता है फाइव इंटू जो हॉर्स पावर को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो सेवन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड थ्री फोर हंड्रेड लाइन वोल्टेज लाइन करंट एंड जीरो पॉइंट एट फाइव पावर फैक्टर जब इसको कैलकुलेशन करेंगे जो आपका लाइन करंट है वो सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम देखने को मिलेगा और हमें पता है इंडक्शन आपका जो मोटर्स होती है वहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग करंट है वो फाइव टू सेवन टाइम्स हमें जो है देखने को मिलेगा जब देखा तो थर्टी वन टू फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए तो यहाँ पर हमें कितनी मिल गई टेंथ का ए पार्ट अगर हम एलेवेंथ की बात करेंगे द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय देखो अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस के थ्रू हम जो है इस चीज़ को स्टार्टिंग uh, टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके मींस इसको बढ़ा के हम जो है स्टार्टिंग टॉर्क को जो है बढ़ा सकते हैं अब ये मत बोलना कि यार स्केय प्लस एक्सकेर यहाँ पर भी इसमें डोमिनेंट का केस चलता है कभी डोमिनेंट आपका एक्सकेयर होता है कभी डोमिनेंट आपका आर होता है पर स्टार्टिंग में जो डोमिनेंट होता है वो एक्स होता है क्योंकि जो स्लिप होती है हमें पता है कि जो रोटर की जो आपका रोटरी की फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एस टाइम ऑफ स्टेटर फ्रिकुवेंसी स्टार्टिंग में अपनी स्लिप वन है तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो फिफ्टी हर्ट हमें जो है देखने को मिलेगी जहाँ पर आपका जो रिएक्टेंस वाला कंपोनेंट है वो डोमिनेंट हो जाता है आर स्केर से तो यहाँ पर जो है इसका ई वाली जो चीज़ है वो आर स्केर यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाती है तो हम जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमका टॉर्क बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टार्टिंग के केस में आपका एक्स होता है ना कि आर तो यहाँ से आप जो है थोड़ा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश की थी इस क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर अपना हो जाएगा एलेवंथ का बी पार्ट इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस अगर हम ट्वेल्थ की बात करेंगे तो स्पैन ऑफ फुल पिच कॉयल वाउंड फोर सिक्स पोल हीस अब यहाँ पर मैकेनिकल के बेसिस में बात की गई है हमें पता है कि थ्री सिक्सटी का पूरा होगा थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्स डैट इज सिक्सटी डिग्री मकैनिकली ठीक है और सिक्सटी डिग्री मकैनिकली हमारा आंसर हो जाएगा और अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल इज़ इक्वल टू पी बाई टू इंटू ऑफ मैकेनिकल एंड यहाँ पर जो पोल है वो कितने हैं सिक्स तो सिक्स बाई टू इंटू सिक्सटी डैट इज़ वन एटी डिग्री इलेक्ट्रिकल मीन्स हमेशा अपना जो फुल पिच होगा या उसमें फुल पिच में हमेशा हमारा जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो हमेशा वन एटी डिग्री इलेक्ट्रिकल हमें जो है देखने को मिलता है तो आप जो है कैसे भी करके देख सकते हो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोशिश करूँ ये कितने में था आपका छः पोल में था अगर मैं इसको करूँ चलो इसको बस मैं बता देता हूँ अगर आप क्या करोगे कि अलग वे में अगर आप इसकी कोशिश करोगे तो एक मिनट रुको एक मिनट एक मिनट तो यहाँ पर मैं कैसे बताना चाहता था फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पोल में देखोगे मींस इसको आप 360 सिक्सटी डिवाइड बाई फोर करोगे तो यहाँ पर आपका मकैनिकली डिग्री कुछ हो रहा है एंड फोर बाई टू इंटू मकैनिकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिकल है वो आपका वन डिग्री ही देखने को मिलेगा आप जो है ट्राई भी कर सकते हो छः पोल में चार पोल में मीनस इसमें इवन मल्टीपल्स में ही होंगे दो चार छः तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वन एटी डिग्री ही देखने को मिलेगा इसमें आपका जो है ये एंगल मकैनिकली चेंज हो जाता है एंगल तो यहाँ पर हम थर्टीन क्वेश्चन की बात करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है द तो आर्मेचर फ्लक्स अपोजिट द मेन फील्ड फ्लक्स वैन लोड पावर फैक्ट्रीज हमें पता है कि ये वाला जो होता है यूनिटी के, के केस में होता है फिर ये वाला अब ये वाला यूनिटी में होता है यूनिटी से आपका लैगिंग है तो वो जीरो लैगिंग में पीछे चल जाएगा जो है सही वाला केस बन जाएगा अब इसमें जीरो लीडिंग में आगे चल जाएगा तो यह यहाँ केस बन जाएगा और जीरो पॉइंट एट लीडिंग में मिस इसका कहीं ना कहीं बीच में तो यह य केस हमें जो है देखने को मिलेगा तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि अपोज इज द मेन फील्ड फ्लक्स तो कौन अपोज कर रहा है यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है जीरो लैगिंग और हेल्प कौन कर रहा है आपका जीरो लीडिंग और डिस्ट्रॉक्शन कौन देख कर आएगा आपका यूनिटी और ये भी डिस्ट्रॉशन देख रहेगा क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट एक इसमें मैग्नेटाइज कंपोनेंट बनेगा और एक इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो है डिस्ट्रॉक्शन करता है हमेशा वेफाम की अगर हम फोर्टीथ की बात करेंगे अ कमर्शियल अल्टरनेटर हैज तो हमें पता है कि स्टेटर आर्मीचर होगा और रोटेटिंग फील्ड होगा और इसकी जो है हम एडवांटेज भी पढ़ते हैं तो एम यहाँ पर जो है दो गेज बन सकते हैं इसके लिए पर रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलती है जिसके थ्रू हमने क्या किया कि स्टेशनरी आर्मेचर किया और रोटेटिंग फील्ड किया तो हमें पता है रोटेटिंग फील्ड से हमारा दो स्लिप रिंग होगा इसमें आपका जो इंसुलेशन कम लगेगा कूलिंग अच्छे तरीके से होगी तो ये आप जो है थोड़ा सा याद कर सकते हो इसके थ्रू जैसे मैंने आपको अभी बताया अगर हम फिफ्टीन क्वेश्चन की बात करेंगे इन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं फिफ्टीन की इन अल्टरनेटर डैम्पिंग वाइंडिंग इज़ यूज टू तो देखो अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग का, का काम किया जाता है प्रिवेंटिंग हंडिंग के लिए और अगर हम सिंगल सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पर काम किया जाता है उसको स्टार्ट करवाने के लिए अगर हम सिक्सटीन क्वेश्चन की बात करते हैं द मैक्सिमम ऑफ द रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ थ्री फेज करंट फ्लोइंग थ्रू अ थ्री फेज बाइंडिंग इज इक्वल टू तो यहाँ पर क्या होगा इसको याद कर लेना वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी वन ऑफ द फेस तो अगर हम सेवनटीन क्वेश्चन की बात करें तो यह रिपीटेडेडेडेड क्वेश्चन है यह आपका तीन क्वेश्चन पेपर में मेरे को मिल चुका है द पिच फैक्टर ऑफ फाइव बाई सिक्स ऑफ द शॉर्ट पिच कॉइल इज तो हमें पता है कि जो शॉर्ट पिच फैक्टर है वो फाइव बाई सिक्स टाइम ऑफ वन एटी डिग्री हो जाएगा जैसे मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकली एंड इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री एंगल हो जाएगा तो हमें बताया वन एटी माइनस ऑफ वन फिफ्टी थर्टी मीन्स आप ये देख सकते हो कि जो अपना फुल पिच है वो हमेशा वन एटी डिग्री के एंगल में जो है कनेक्टेड रहती है और यहाँ पर आपका जो शॉर्ट पिच है वो हमेशा वन एट्टी डिग्री से कम में देखने को मिलेगी मींस यहाँ पर कितना वन फिफ्टी डिग्री एंगल तो यहाँ पर जो हमारा इसमें बीटा के फॉर्म में निकालता है तो बीटा के फॉर्म में इसमें कॉस लगता है अगर हम पीछे वाले एंगल की बात करेंगे तो वहाँ पर साइन लग जाता है तो आई होप दो प्रकार के इसके आंसर्स मतलब इसके जो आंसर फॉर्मूला दो प्रकार के इसमें हो जाता है एक कॉस की फॉर्म में एक साइन की फॉर्म में तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो बट आप कॉस वाला याद रखना तो यहाँ पर वन एट्टी माइनस और वन थर्ट वन फिफ्टी हो जाएगा थर्टी तो कॉस थर्टी अपॉन्ट टू कॉस फिफ्टीन एंड कॉस फिफ्टीन का हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स सिक्स तो सेवनटीन्थ का ए और उसको डायरेक्ट याद रख लेना क्योंकि तीन बार रिपीट हो चुका है अगर हम एटीनथ की बात करेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन विन फ्लक्स आप जो है यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ये फील्ड फ्लक्स है या आर्मेचर फ्लक्स है इसके इफेक्ट की वजह से ही आपका आर्मेचर रिएक्शन हमें जो देखने को मिलता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो कहीं ना कहीं कहीं अपोज कर रहा है कहीं पर बढ़ा रहा है या कहीं पर डिस्ट्रॉड कर रहा है तो ये जा रहे ये जो सारे इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं तो आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन विन फ्लक्स तो एटीनथ का हो जाएगा आपका ए आंसर अगर हम नाइनटीन की बात करेंगे तो स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटरीज़ तो हमें पता है नो लोड माइनस फुल लोड हमें मतलब स्टार्टिंग लोड no में हमें जो है सेम ही सिंक्रोनस स्पीड देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीड रेगुलेशन ऑफ दिन मोटरिस जीरो अगर हम ट्वेंटी की बात करेंगे द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन एनी ऑर्डिनरी शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रिपीटेड क्वेश्चन तो इसमें जो है अनशेडेड टू द शेडेड पोल में हमें जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की इसकी जो है एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर क्योंकि इसका जो एक एग्ज़ाम्पल है वो पूछी जाती है तो देखते हैं कि आप बता पाते हो या नहीं तो इसमें जो है हम दो uh, तो एक वेव के थ्रू हम जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बट इस ऑप्शन के बेसिस में हम लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स जो इसकी डायरेक्शन हम चेंज करने के लिए जो आपका शेडेड रिंग होती है मीन्स आपकी जो कॉपर रिंग होती है जो हमने इसमें शॉर्ट सर्किट रखी होती है तो वो पोल में चार लगानी पड़ती है जिसके थ्रू अपनी जो डायरेक्शन वो रिवर्स हो सकती है बट इसमें क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाता बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के बेसिस में मैंने आपको बता दिया तो ट्वेंटी का हो जाएगा बी अगर हम ट्वेंटी वन की बात करेंगे इन अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर द टॉर्क इज डिवेलप ऑन द रोटर वेन द ब्रश एक्सेस इज फिक्स ये भी आपका जो है ए ट्वेंटी नाइन में क्वेश्चन पेपर एम में आपका रिपीट हुआ है और एक और क्वेश्चन पेपर में जहाँ से ए ट्वेंटी नाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये दो तीन तीन बार ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो यहाँ पर कितना है कि जो हमारे पास रिपल्शन मोटर में जो मैक्सिमम टॉर्क होती है वो फोर्टी फाइव एंगल में होती है इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो टू साइन ठीटा कॉस ठीटा होता है तो अगर आप मीन्स मैं आपको कैसे बताऊँ टॉर्क इज इक्वल टू टू ऑफ साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अगर आप थीटा को नाइन्टी रखोगे तो एक में जो साइन आपका मैक्स ज़ीरो हो जाएगा और एक में आपका जो है सॉरी ये मैक्स हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा मीन टॉर्क जीरो और तो ज़ीरो में रखोगे तो यह आपका ज़ीरो हो जाएगा और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो फोर्टी फाइव के एंगल में हमें जो है देखने को मिलती है तो ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर अगर हम ट्वेंटी टू की बात करेंगे तो ट्वेंटी टू में हमारे पास क्या है अ डी सी सीरीज मोटर वेन कनेक्टेड एकरोस ए सी सप्लाई विल भी तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम डी सी सीरीज मोटर में ए सी सप्लाई को कनेक्टेड करते हैं तो टॉर्क तो आपको उसी डरेक्शन में हमें जो है देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि जो टॉर्क है टॉर्क इस प्रोपोर्शनल टू आई स्कीयर होता है इसमें डी सी सीरीज़ मोटर में तो हमारा जो पोलैरिटी भी अगर मतलब पॉजिटिव आई भी अगर हम लगाएंगे मीनस नेगेटिव में जो प्लेरिटी होती है इंस्टेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो जो अपना टॉर्क है वो हमेशा जो है आइस केयर ही देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आपका जो ए सी सप्लाई के ऊपर जो अपना डी सी सीरीज जो मोटर है वो काम कर जाएगा बट इसमें क्या होता है कि आपका जो ए सी की वजह से क्या होगा कि आपका दो कंपोनेंट हमें जो है रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाले जो आपका रिएक्टेंस मीन्स एंड कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा तो रिएक्टेंस की वजह से मीन्स आपका एम्बेडेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका मतलब कि इसमें जो लोअर स्पीड हमें जो है देखने को मिलती है और पावर फैक्टर्स का जो है पूरा हो जाता है जब भी ऐसी सप्लाई आती है तो पावर फैक्टर के कंसेप्ट हमें जो है देखने को ज़्यादा मिलते हैं तो ट्वेंटी का हो जाएगा अपना ए आंसर अगर हम ट्वेंटी थ्री की बात करेंगे तो आर्मेचर ऑफ अ डी सी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट टू तो इसमें लेमिनेशन का जब भी शब्द आता है तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ लिखना है एडिक्रंट लॉसेस अगर हम ट्वेंटी फोर की बात करेंगे तो ये आपका एस एस सी जे दो हज़ार अठारह में आया है द फंक्शन ऑफ द ब्रश एंड द कम्यूटेटर अरेंजमेंट इन डी सी मोटर तो इसका काम होता है कि टू प्रोड्यूसर यूनिट्रेक्शनल टॉर्क ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप इसको जो है याद रख सकते हैं अगर हम ट्वेंटी फाइव की बात बताएंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉयल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स इंस्टेंट ऑफ प्लेसिंग ऑल द कॉयल इन द टू स्लॉट देखो दो प्रकार के इसमें कनेक्शन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और हमें जो है देखने को मिलता है कंसनट्रेट तो बेसिक कंसनट्रेट वाले में क्या होता है कि आपका जो ईएमएफ होती है वो आपका एक तरीके से स्क्यर जैसे देखने को मिलती है और डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका सोनोसाइडल तो मेरे को तो लगा इसमें गेट सोनोसाइडल ई एम एफ एट द आउटपुट टर्मिनल इसके आंसर की जो है मेरे को नहीं मिली है इनके वेबसाइट में भी आंसर की इन्होंने अपलोड नहीं किया है बट नेट में जो इसका आंसर था वो था हैविंग मिनिमम हीट डिसिपेशन फ्रॉम द आर्मी बट मेरे को इसका ए सही लगा क्योंकि इसमें सोनोसाइडल ई एम एफ जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड के थ्रू ही मिलती है कनेक्शन के थ्रू और कंसनट्रेटेड के थ्रू आपको जो है स्क्योर फॉर्म में जो है देखने को मिलती है बट आप जो है देख सकते हो यहाँ पर ए इसका ठीक कर सकते हो हैविंग द आर्मीचर हिटिसिपेटेड फ्रॉम द आर्मीचर जो कि नेट में दिया गया है अगर हम ट्वेंटी सिक्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम परमीसिबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास ही इंसुलेशन मटीरियल इस तो हमें पता है वाई ए नाइन्टी फाइव एक सौ पाँच एक सौ बीस तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छब्बीस का एक सौ बीस आंसर अगर हम सत्ताईस की बात करेंगे द नंबर ऑफ पैरल पाथ इन आर्मीचर वाइंडिंग ऑफ अ फोर पोल वेव कनेक्टेड डी सी मशीन हैविंग ट्वेंटी टू कॉल साइड इस तो इसमें बस वही है कि इसमें क्या वेव है वेव में सीधा पोल कितने हैं दो बाकी कुछ नहीं देखना हमने तो ट्वेंटी सेवन का हो जाएगा अपना सी अगर हम ट्वेंटी एट क्वेश्चन की बात करेंगे द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डी सी मोटर कैन बी रिवर्स्ड देखो इस तरीके से सकते हैं कि ऑप्शन के बेसिस में हमें पता चला कि ये शंट मोटर की बात की गई है यहाँ पे तो बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर क्या आप आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज करो या फील्ड वाइंडिंग को कनेक्शन को चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई वोल्टेज तो ट्वेंटी एट का हो जाएगा अपना बी अगर हम ट्वेंटी नाइन की बात करेंगे टू हैव अ स्पार्कलेस कम्यूटेशन द च रिएक्शन इफेक्ट इन डी सी मशीन इज न्यूट्रलाइज बाई तो न्यूट्रलाइज करना है न्यूट्रलाइज मींस खत्म करना है न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तो यूजिंग अ वाइंडिंग एंड द कम्यूटेटिंग पोल्स इसको इंटरपोल का नाम दिया गया है और कम्पोजेटिंग पोल्स में होती है आप देख सकते हो और पोल्स में इसकी जो प्लेरिटी होती है वो आपके आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट होती है बट ये आपका आर्मेचर के साथ ही सीरीज़ में दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती है इसमें आपका इंटरपोल भी और आपका कंपोजिटिंग वाइंडिंग भी तो इसमें हमारा जो ये वी वाला नहीं दिया गया क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ द ब्रश एक्सेस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस टू द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस ये तब हो सकता है जब हमें पता है कि इसी पावर फैक्टर के ऊपर काम करेगी एग्जैक्ट वाली वरना आपको जो पावर फैक्टर वेरी करता रहेगा और आपका जो आपका जो रिजल्ट इनफ्लक्स है वो भी वेरी करता रहेगा जिसके थ्रू आपका स्पार्किंग देखने को मिलेगा तो बी ऑप्शन हुआ नहीं तो ट्वेंटी नाइन का फिर हो जाएगा ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कम्पजेटिंग वाइंडिंग होती है वो हमेशा कहाँ पर प्लेस की जाती है तो वहाँ पर पोल में या फील्ड वाइंडिंग में बोल सकते हो आप फील्ड वाइंडिंग के पोल्स में प्लेस की जाती है और उसकी जो प्लेरिटी होती है वो आर्मीचर फ्लक्स के अपोजिट होती है और ये जो आपका कंपजेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं और कम इंटरपोल भी हमारा जो है पोल्स में ही देखने को मिलता है मीन्स फील्ड वाइंडिंग के पोल्स में जिसका काम होता है कि आपके रिएक्टेंस वोल्टेज को ज़ीरो करना अगर हम थर्टी क्वेश्चन की बात करें विच टाइप ऑफ द मोटर ही इज़ प्रेफर्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क तो ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर और अगर हम इंडक्शंस की बात करें तो लीनियर इंडक्शन मोटर का काम लिया जाता है तो थर्टी का हो जाएगा हमारा ए मतलब डी सी में डी सी सीरीज मोटर और ए सी में आपका लीनियर इंडक्शन मोटर अगर हम थर्टी वन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है ये आपका जो है ए ट्वेंटी नाइन पोस्ट कोड में भी आपको जो है देखने को मिला होगा और मतलब ये भी आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है उसके बाद बात करें द सॉलिड एंगल इन इन एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ तो यह आपका स्ट्रेडियन में होता है और एक आपका प्लेन एंगल होता है तो प्लेन एंगल किस में होता है रेडियन में होता है अगर हम थर्टी टू क्वेश्चन की बात करें द कलर ऑफ द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है आपका येलो ग्लेयर ही इज रिड्यूस बाय तो ग्लेयर से सिर्फ प्रकाश क्लियर का मतलब होता है प्रकाश जैसे कि आप लाइट की तरफ देखते हो और लाइट में आपको जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रकाश देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्लियर तो एक्सेस में अगर वो प्रकाश देखने को मिलेगा तो डैट इज़ नोन एज क्लियर तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है तो उसको कम करने के लिए हमें जो है इंक्रीजिंग द लैम्प हाइट तो लैम्प की हाइट को बढ़ा दो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर लो या डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कर लो तो ये चीज़ों का थोड़ा मतलब नहीं है आपको पढ़ने का बस आपको पता होना चाहिए कि ऑल द ऑफ द अव इसमें आंसर जो है देखने को मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर सेम ही रिपीट हो जाता है तो आपका थर्टी थ्री का डी वरना आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना अगर हम थर्टी फोर क्वेश्चन की बात करें इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फॉलिंग चीज़ आई तो इंडक्शन हीटिंग में अपना फ्रिक्वेंसी आई होता है हाई फ्रिक्वेंसी में इंडक्शन और डायलैक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं अगर हम इसमें थर्टी फाइव क्वेश्चन की बात करें of, तो इलेक्ट्रोड यूज़ फॉर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आर मेड अप ऑफ तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थर्टी फाइव तो आई होप अभी जो है हमारा जो पहला पार्ट है वो थर्टी फाइव तक था तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप जो है टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो धन्यवाद